इस वक्त हमारे समक्ष है एशियन हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर के एमडी डॉक्टर इमरान साहब। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोविड का जो पर्टिकुलरली देखा गया है, काफ़ी संसर्ग बढ़ रहा है, लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं इससे कोरोना से, तो ऐसे में जबकि आपका हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है पर्टिकुलरली, तो आज के डेट में क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, उस बारे में बताइए। आज के डेट में स्थिति पहले से पिछले हफ्ते पिछले 15 दिनों में जो सडन पीक आया था उसके मुकाबले आज के डेट में केसेस थोड़े से कंट्रोल में आए हैं। अब लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हो रहे हैं एंड लोगों ने भी अब सीरियसली लेना शुरू किया है। घरों पे रहने के वजह से लॉकडाउन प्रॉपर एंड रूल्स फॉलो करने के वजह से अब थोड़ा सा इन्फेक्शन रेट में कमी आई है लोगों के। आप क्या कहोगे कि बीच में अभी कुछ ऐसा प्रसंग भी आया था जब ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी, इवन हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो रैशनिंग के थ्रू हो रहा था जिलाधिकारी के थ्रू, तो उसमें एक क्रिटिकल फेज भी गया, लेकिन आपकी आप पोजीशन क्या है? अभी तो अवेलेबल हो गया ऑक्सीजन काफ़ी, इसमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन जो बाकी जगह से सरकार ने लाई है, हमारे जिलाधिकारी साहब एंड म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने एंड बाकी और भी मेंबर्स लोगों ने जो मेहनत की है, गडकरी जी ने जो काफ़ी मेहनत की है इसमें, उन लोगों ने भी काफ़ी सारा ऑक्सीजन अरेंज किए और प्रॉपर यूज़ भी हम लोगों ने लोगों को सिखाया कि हम लोग को एक किसको ऑक्सीजन यूज़ करना है, ऑक्सीजन स्केयर सिटी में किस लेवल पे हमको ऑक्सीजन यूज़ करना है, ऑक्सीजन की सेविंग भी करना है हमको, लीकेजेस हमको सुधारना है एंड जुडिशियस एंड रैशनल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन उस टाइम पर किया गया। ये एपिडेमिक जो है पर्टिकुलर जो सेकंड वेव काफ़ी डेडली है, ऐसे में देखा कि जो कोरोना से काफ़ी लोग जो बचे हैं जो कोरोना जो उनको अपना कवरअप नहीं किया या उसके इन्फेक्शन में नहीं आया, तो ऐसे लोगों में कुछ ऐसे इम्पेक्ट आ रहे हैं जैसे म्यूकोरमाइसिस जो बोलते हैं अपन, जो आँखों में स्वेलिंग आती या अपने क्या बोलते हैं छाती में दर्द होता, तो ऐसे पेशेंट भी उसके ग्रिप में आने के काफ़ी चांस है, तो उस बारे में आप बताइए। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन, यानी वो एनवायरनमेंट में हर जगह है, इनफैक्ट वो सरफेस पे रहता है, आपके शरीर पे भी रहता है, बट जब हमारी प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो वही इन्फेक्शन हमको जो कमेंसल रहता है वो इन्फेक्टिव बन जाता है। यूजुअली ये डायबिटिक लोगों में, ओल्ड एज लोगों में जिनकी प्रतिकार शक्ति और भी किसी कारण से लाइक क्या कैंसर की वजह से कम होती है उनमें पाया जाता है, लेकिन आज कोविड के पेशेंट में उनको एज अ लाइफ सेविंग हम लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं प्लस और भी कुछ इंजेक्शन यूज़ करते हैं जिससे जान बचाने के लिए, लेकिन वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उनकी प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसीलिए ये जो फंगस है इसका इंसिडेंस लोगों में बढ़ गया है। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि जो म्यूकोरमाइसिस जो है पर्टिकुलरली इसके जो फंगल इन्फेक्शन अपने नर्व सिस्टम को भी डैमेज कर देता है और आदमी को आगे चलकर पक्षाघात की भी ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती है, उस बारे में आप क्या कहोगे? म्यूकोरमाइकोसिस डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में आपका डायग्नोसिस हुआ है और कितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हुआ है। बहुत कम ड्रग्स है जो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं लाइक एम्फोटेरिसिन बी, बट वो भी उसके भी अपने अलग साइड इफेक्ट है, अगर हाई डोज में एम्फोटेरिसिन बी आप देते हैं तो वो किडनी को डैमेज कर देते हैं। अर्ली स्टेज में अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस का पता चल जाता है तो आप उसको ऑपरेट करके बढ़ने से रोक सकते हो। आप क्या कहोगे कि जिस पर्टिकुलर जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो शुरू है पर्टिकुलरली तो सेकंड डोज जो लोग ले रहे हैं उनमें एक संभ्रम की स्थिति है, यदि वो जाएंगे तो उनको और कोरोना का ग्रिप ज़्यादा बढ़ेगा, यानी इवन जो उसका जो पर्टिकुलर 40 डेज के ऊपर जो हो रहा है जो उसकी टाइम लिमिट है, तो ये एक तरह से सोसाइटी में एक संभ्रम है, उस बारे में आप क्या कहोगे? इवन हमने देखा है कि जिन्होंने पहला डोज लिया और उसके बाद में भी जिनको इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन की मात्रा काफ़ी कम थी। वैक्सीन से इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि जो वायरस का जो रूट ऑफ एंट्री है वो है आपका नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और आइज। वैक्सीन का जो मेन पर्पज़ है वो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना, तो अगर आज आप वैक्सीनेटेड हो इवन सिंगल डोज लेने के बाद में भी अगर आपको कोरोना होता है तो आप माइल्ड इन्फेक्शन में की कैटेगरी में आ सकते हो, मतलब आपका सीरियस होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल थोड़ा 10 दिन 15 दिन आगे भी बढ़ गए तो कोई डरने की बात नहीं है, आप जब भी वैक्सीन अवेलेबल होती है या आप जब ठीक हो जाते हो तो आप जाके सेकंड डोज अपना लगा सकते हैं वैक्सीन को। ये वायरस का वेरियंट ऐसा है कि एयरबॉर्न भी ऐसा सुनने में आया, इवन अपन घर में भी रहे फैमिली के साथ तो मास्क लगाना जरूरी है, तो ये एक स्टडी के हिसाब से, तो आप
आपका कहाँ बिलीव है उसमें, कहाँ तक बिलीव है? हाँ, अब तो जो गाइडलाइन जो बोलती है कि इवन आप घरों में हैं तो भी मास्क लगा के रखिए, हमेशा सेफ्टी के लिए अपने मास्क रूटीन, हैंड हाइजीन, यूज़ ऑफ सैनिटाइजर, यूज़ ऑफ फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, बराबर आप साबुन से रनिंग वाटर में हाथ धोते रहिए और मास्क पहनिए एंड अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए। और एक स्टडी में ये भी कहा गया कि जो रेमेडीज और इंजेक्शन जो रेफर करते प्रिस्क्राइब करते डॉक्टर लोग, उसका ज़्यादा डोज लेने से और यह HRT स्कैन करने की वजह से भी कैंसर का बढ़ने का भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। डेफिनेटली अगर आप बार बार खुद जाके अपनी मर्जी से HRCT स्कैन कर रहे हो पैनिक मोड में होने के बाद में, तो उसका रेडिएशन की वजह से आगे के लाइफ में कैंसर होने का खतरा तो बढ़ ही जाता है। HRCT में काफ़ी सारा एक्सपोजर होता है चेस्ट में, तो जब डॉक्टर को लगता है कि आपको HRCT की ज़रूरत है, जब आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, 92 के नीचे जा रहा है, आपको क्लिनिकली सिम्टम्स है, तो आपका एक देखने के लिए कि आपको कितना परसेंट लंग का इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए HRCT बनाया गया है। बहुत से लोग इनिशियल फेज़ में ही खुद जाके CT स्कैन कर ले रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि इनिशियल फेज़ में आपको फाइंडिंग नहीं मिलने वाली है, उसकी फाइंडिंग जो आती है CT स्कैन में चेंजेस आते हैं वो 7वें 8वें दिन ही आते हैं, और जिसका आपके ट्रीटमेंट से या आपके प्रोग्नोसिस से या आप बचेंगे या नहीं बचेंगे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए अननेसेसरीली CT स्कैन कराना भी गलत है, क्योंकि उस चक्कर में CT स्कैन सेंटर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और वहाँ से और सुपर स्प्रेडर बढ़ते हैं और वो वापस वो इन्फेक्शन को कम्युनिटी में लाते हैं, अपने घरों में लाते हैं। आज अगर हम ये चीज़ से हमने ये सीख लेना चाहिए कि आज सेकंड वेव में कितनी मुश्किल से हम लोग को गुजरना पड़ा है, और आज जो चीज़ हमने सीखे है सेकंड वेव से, अगर उसका पालन हम सब लोग साथ में इकट्ठा मिलकर करते हैं तो हम थर्ड वेव से वो बचा सकते हैं।